नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल बागड़ी फ्रॉम अचरोल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको लेकर आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो भी साथी पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस कर लेवे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिल्कुल देखो, एक चीज पहले बता दूं कि नया टाइम टेबल आ चुका है। जो पहले 11 अक्टूबर 11 की एग्जाम थी, वो अब हो गई है 20 की। यानी पहले जो 11 अक्टूबर की एग्जाम थी वो अब 20 की हो चुकी है। टाइम टेबल जब नया बना दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी 11 अक्टूबर की एग्जाम थी वो 20 अक्टूबर की कर दी गई है, बढ़ा दी गई। इससे पहले मैं आज सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से मोस्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको लेकर आज चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आने की संभावना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपका। देखो, फर्स्ट जो पेपर है उसके भी मैंने अपलोड कर दिए, सेकंड पेपर है उसका मैं आज अपलोड कर रहा हूं। तो सेम ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कुछ डिफरेंट हो, दोनों ही पेपरों का लगभग सेम होता है, बस उसमें पोइट्री आती है और इसमें क्या आता है, प्रोज आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है समराइज समराइज द एसे एंटेड द गांधियन आउटलुक। ये किसकी है रचना? जो निबंध है ये एस डॉक्टर राधा कृष्णन का, डॉक्टर राधा कृष्णन का, किसका है ये? डॉक्टर राधा कृष्णन का जो एसे है, निबंध है द गांधियन आउटलुक, इसको लेकर आपको समराइज करना है। इसमें ज्यादातर निबंध ही निबंध है, सेकंड जो पेपर है उसमें ज्यादातर निबंध ही निबंध है, ऐसे ही ऐसे, तो उनको समराइज करना आपको। लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या कुछ के क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछेगा या समराइज करवाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। और एक लास्ट का जो है वो है नोटिस। दूसरा क्वेश्चन है फिर एक ऐसे है, ये सेम ऐसे की ऐसे, समराइज द ऐसे एंटेल, ये सेम ऐसे की ऐसे, और उस निबंध का नाम है द ए बुकिश टॉपिक, ए बुकिश टॉपिक, और ये किसका है? आर के नारायण का, भाई आर के नारायण। तो दो क्वेश्चन हो गए। पहला एस निबंध है द गांधियन आउटलुक डॉक्टर राधाकृष्णन का, दूसरा है ए बुकिश टॉपिक, ये किसका है? आर के नारायण का। इन दोनों को लेकर आपको समराइज करना है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन बनाना है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे ये बार बार क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी समराइजिंग का ही है, ये है जेबी प्रिस्टली की जो ऐसे है उसके बारे में आपको लिखना है। उसका नाम है मेकिंग राइटिंग सिंपल, मेकिंग राइटिंग सिंपल, ऐसे का नाम है मेकिंग राइटिंग सिंपल। ये किसका है? जेबी प्रिस्टली, बाय
जेबी प्रिस्टली। जेबी प्रिस्टली का जो एसे है मेकिंग राइटिंग सिंपल, और इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसको लेकर भी आपको समराइज करना है। तीसरा चौथा जो क्वेश्चन है उसको लेकर बात कर रहे हैं, वर्जीनिया वुल्फ का। किसका है? वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का जो एसे है उसको लेकर आपको समराइज करना है। उसका नाम है हाउ शुड वन रीड ए बुक। हाउ शुड रीड ए बुक। किसका? ये वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे हाउ शुड रीड ए बुक। इसको लेकर भी आपको समराइज, क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो भी वो आपको करना है। ये मोस्ट है, ध्यान रखना, 100% आने की इनकी संभावना है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखिए। टॉलस्टॉय की स्टोरी है कि टॉलस्टॉय स्टोरी है, द रिफ्यूज, द रिफ्यूज। इसको लेकर भी आपको क्या करना है, समराइजिंग करना है। तो ये मोस्ट है, बस एक क्वेश्चन वही चेंज हो सकते हैं, क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछ सकता है या समराइजिंग पूछ सकता है, बाकी सब ऐसे कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी कर सकते हो या समराइजिंग भी कर सकते हो। जो भी आपको पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको ये इनमें से ही आएगा और बाकी और कोई से में भी नहीं आएगा, तो आप इनको लेकर ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये टॉलस्टॉय की थ्री क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय की थ्री क्वेश्चंस नामक स्टोरी है, थ्री क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस। और जो रिफ्यूज थी छठवें नंबर पर, पल्स एस बक, यह है द रिफ्यू। इसको लेकर भी आपको क्या करना है, समराइजिंग करना है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन बनाना है। तो ये थे अब कुछ चरित्र चित्रण के बारे में क्वेश्चन भी आते हैं इसमें लास्ट में, कि आपको ध्यान है सेक्शन वाइज हटा दिया गया था, आप कोई सा भी कर सकते हो। तो इसमें करेक्टर स्केच के भी क्वेश्चन आते हैं, उनको लेकर डिस्कस करेंगे। तो ये उतार लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, कि पहला क्वेश्चन द एसे एंटेल द गांधियन आउटलुक डॉक्टर राधाकृष्णन का, दूसरा है ए बुक इज टॉपिक बाई नरेन नारायण का, और तीसरी है मेकिंग राइटिंग सिंपल, ये जेबी प्रिस्टली की, चौथा है वर्जीनिया वुल्फ का हाउ शुड रीड ए बुक, और पांचवा है टॉलस्टॉय की थ्री क्वेश्चंस, और पीएस बक की है द रिफ्यूज। तो इनमें से क्वेश्चन बार बार और हर बार आने की लगभग, क्योंकि अथवा में भी हो सकते हैं, यह आ गया तो यह अथवा में डाल देता है, यह आ गया यह अथवा में डाल देता है, यह आ गया तो यह अथवा में, तो ऐसे अथवा में लगा के डाल देता है। तो आपको कोई से भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ड्राई स्केच के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार आएंगे। एक तो जो आरके सातवां, छह क्वेश्चन कर लिए, सातवां क्वेश्चन है ड्रा ए करेक्टर स्केच, करेक्टर स्केच किसका? नामी। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होता है, नामी का जो करेक्टर स्केच है
वो बार बार आपके रिपीट होता है। एक है आठवां क्वेश्चन कि व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी आई एम ब्लू, एम आई ब्लू। जो ये स्टोरी है एम आई ब्लू, इसको लेकर आपको थीम तैयार करनी है। इसकी थीम क्या है उसके बारे में आपको लिखना है स्टोरी। नौवां जो क्वेश्चन है वो भी एक ड्राई स्केच के बारे में ही है, जो आप एक नोवेल आपके आजादी चमन महल का, तो उस अरुण जो उसका पात्र है उसको लेकर आपको क्या करना है, उसके स्केच उसका चरित्र चित्र करना है। तो ड्रा ए करेक्टर स्केच अरुण। अब ये अरुण जो किसमें से आया है, आजादी जो आपके नोवेल है चमन नहल का, उसमें है ये अरुण, तो उसको लेकर आपको उसका चरित्र चित्रण आपको करना है एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और लास्ट जो दसवां जो क्वेश्चन है वो आपकी नोट मेकिंग का आएगा, जो आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ी थी नोट मेकिंग की, नोट्स कैसे तैयार किए जाते हैं नोट मेकिंग। तो या तो नोट मेकिंग का आएगा या समराइज इनका आएगा। या समराइजिंग का आएगा या थीम राइटिंग का आएगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन बन सकता है लास्ट का। ये तो है कि तीनों में से बनेगा, 100% है तीनों में से एक बनेगा, लेकिन कोई सा बन सकता है। या तो नोट मेकिंग का तैयार कर लो कि नोट मेकिंग कैसे बनाई जाती है, या आपको एक पैरा दे देगा उसका समराइजिंग करवाएगा, या नोट में नोट्स बनवाएगा उसका, या उसकी थीम पूछेगा कि इसकी थीम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा आएगा, और उससे जो नौवां और जो आठवां क्वेश्चन है वो स्केच तैयार करवाएगा या इसके बारे में पूछेगा। एक तो आपके अरुण जो आजादी है चमन महल की वो पूछता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है इसमें। और एक गोल्डिंग वाला एक और है नॉवेल, उसके बारे में भी आपको पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर आजादी जो चमन महल का है नॉवेल उसके बारे में आपको पूछता है। तो ये आने की बार बार संभावना बनती जाती है। तो ये थे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। और इसी के साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको या तो ब्लैकबोर्ड की सहायता से कराऊं या आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश एजुकेशन अचरोल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको हर प्रकार की सूचनाएं इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।